डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फाइलम पोरीफ्रा इसकी मुख्तलिफ सेल टाइप्स स्केलेटन और बॉडी वॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे पोरीफ्रा प्रोटोजोआ के बाद जो अगला फाइलम है वो है पोरीफ्रा इसके नाम से ही इंडिकेशन ये आती है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्स होंगे और वो बात ठीक भी है पोरस पोरीफ्रा में वर्ड जो है पोरस इन्वॉल्ड in, है और पोरस का मतलब होता है मुख्तलिफ़ पोर्स यानी इस एनिमल की जो इंटायर आउटर बॉडी वाल है वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पोर्स होंगे और इसके सेल्स जो हैं दे आर नाट प्रॉपरली अरेंज्ड बट दे आर यूजली लूजली अरेंज्ड अब इसमें नाइन थाउजेंड स्पीशीज़ जो हैं वो स्पॉन्ज सबसे कॉमन एनिमल्स जो हैं वो पोरीफ्रा में हैं इसके नाइन थाउजेंड स्पीशीज़ हैं और ये स्पीशीज़ जो हैं दे आर यूजली प्रजेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटैट्स और इनकी डिफरेंट शेप है इनके डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर हैं और यूजअली हमें इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइलम पोरीफ्रा के रिप्रजेंटेटिव जो है वो नजर हैं वो नज़र आते यहाँ पर आप देखें फायलम पोरीफ्रा इस्पॉज कितने ख़ूबसूरत किस्म के इस्पॉन्ज जो हैं वो मेडिट्रेन सी में फ्रेश वाटर में समंदर में हर तरह की जो वर्ल्ड क्लास समंदर हैं ओशियंस हैं उनके अंदर हमें स्पॉन्जेस मिलेंगे अब फाइलम इस फाइलम के अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो फाइलम पोरीफ्रा जो हैं दे आर एसमिट्रिकल एनिमल्स और कुछ फाइलम पोफ्रा के एनिमल्स रेडियली सिमिट्रिकल भी हो सकते हैं इनके अंदर सेल टाइप्स जो हैं वो एक सेपरेट किस्म की हैं जो कि बाकी किसी फाइला में मौजूद नहीं है इन सेल्स को हम कहेंगे पिनेकोसाइट्स, मेजनकायमा सेल्स और क्वेनोसाइट्स, और इनके अंदर एक सेंट्रल बॉडी कैविटी मौजूद है सेंट्रल बॉडी कैविटी का कनेक्शन जो है आउटर बॉडी या आउटर इन्वायरमेंट के साथ थ्रू द पोर्स है और सेंट्रल बॉडी कैविटी को मुख्तु किस्म के चैम्बर्स में डिवाइड किया गया चैम्बर्स में क्यों डिवाइड किया गया क्योंकि ये एनिमल्स पानी में रहते हैं पानी में रहते हैं तो इनके इंटायर लाइफ जो है इनका फीडिंग सिस्टम इनका एक्सक्रीशन का सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट ऑल डिपेंड्स पान वाटर अब जितने इसके अंदर बॉडी के चैम्बर्स होंगे उतनी ज़्यादा वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होगी अगर इन एनिमल से आप पानी निकाल लें तो आपको सारे स्पॉन्जेस जो है वो डेड शेप में नजर आएंगे कोई टिश्यूज़ ऑर्गेन सिस्टम नहीं है इसके अलावा सिंपल किस्म का बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मुख्तलिफ़ किस्म की सेल्स की कॉलोनीज़ जो हैं सेल्स दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट फ्राम वान अनदर और हर सेल जो है दैट इज़ स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से डिवीजन ऑफ लेबर का स्टार्ट भी एनिमल फाइला में हो जाता है यानी वॉरिफ्रा के अंदर हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर की अनिशिएशन है अब जो सेल्स की हम बात कर रहे थे कुछ सेल्स जो हैं वो फ्लैट हैं थिन हैं इनको हम कहेंगे पिनेकोसाइट्स पिनेकोसाइट्स जो हैं ये नॉर्मली प्रेजेंट हैं द आउटर बॉडी सरफेस दूसरे पिनेकोसाइट्स जो हैं ये कंट्रेक्टाइल हैं इनकी कंट्रेक्शन से रिलैक्सेशन से बॉडी की शेप जो है वो चेंज होगी फिर कुछ ऐसे स्पॉन्जेस भी हैं जिनके अंदर सेल्स जो मौजूद हैं उनको हम कहेंगे पोरोसाइट्स पोरोसाइट्स जो है हर पोर की बेस पे मौजूद हैं ये कंट्रैक्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से पोर्स ओपन होंगे और पोर्स क्लोज होंगे और इनकी ओपनिंग जो है दैट विल आल्सो अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर इन साइड द बॉडी सेल्स पिलैकोसाइट्स के बाद अगले सेल्स जो हैं वो हैं मिजन जेली लाइक लेयर्स जिसको हम कहेंगे मिजोडर्मल सेल्स या मिजन कायमा सेल्स मिजन कायमा सेल्स जो हैं ये अमीबॉयड मूवमेंट में इनके अंदर जो सेल्स हैं उनको हम कहेंगे अमीबॉयड सेल्स और ये मिजन कायमा सेल्स जो हैं दे नॉर्मली शो लोकोमोशन एंड इनका जो फंक्शन है दैट इज़ रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन फिर है स्क्रीटिंग जो बाहर की तरफ शाइनिंग किस्म के जब स्पॉन्जेज़ आते हैं तो उनका स्केलेटल सेल्स अब ये स्केलेटल सेल्स जो हैं ये आउटर साइड ऑफ द बॉडी सरफेस मौजूद होंगे फिर इसमें कुछ ऐसे सेल्स हैं जो फूड्स को स्टोर करेंगे कुछ ऐसे सेल्स हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे कुछ कंट्रेक्टाइल रिंग्स बनेंगी कोसाइट्स कोनोसाइट्स वो सेल्स हैं जिनके बेस के ऊपर कॉलर लाइक -like लेयर मौजूद होगी और ये कॉलर लाइक लेयर जो है ये फ्ले जैसे हमने फ्लेजलम का स्ट्रक्चर पढ़ा उसकी बेस पे ये माइक्रोवे लाई थे इसी तरह से क्वानोसाइड्स की बेस पे भी ये माइक्रोवेलाई मौजूद होंगे और इनके अंदर माइक्रोफिलाेंट प्रेजेंट हैं ये भी सेल्स कंट्रेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते अब इस डायग्राम के अंदर आप देखें जो सबसे सिंपल स्पॉन्ज है जिसको हम कहते हैं साइकॉन्स ये एग्ज़ाम्पल है सबसे सिंपल स्पॉन्ज की अभी जिन बॉडी स्ट्रक्चर्स की हमने बात की जिन सेल्स की हमने बात की वो हम यहाँ पर सब एविडेंट हैं अब यहाँ पे आप देखें बॉडी पोर्स हैं जो सेल्स की हमने बात की ऑस्कुलम ऑस्कुलम इज़ द मेन बॉडी कैविटी अब जितना भी बॉडी का वाटर अगर बाहर की तरफ जाना है फर्स्टली ये वाटर चारों साइड से पोर्स प्रेजेंट हैं इधर से इधर से इधर से इधर से वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होगा और जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर एंटर हो जाएगा तो ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर चला जाएगा स्पिक्यूल्स स्पिक्यूल सेल्स आप देखें स्केल्टन के सेल्स हैं इससे स्पॉन्जेस के अंदर शाइन आएगा फिर हैं कोसाइट्स कोैनोसाइट्स को अभी हमने बात की कि फ्लेजलम की तरह इनकी बेस के ऊपर भी स्ट्रक्चर मौजूद है कॉलर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं वाटर इसके अंदर जाएगा और यहाँ से फिर वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा बॉयड सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं बॉयड सेल्स दे आर कंसर्न विद रिप्रोडक्शन हर जो है पोरोसाइट्स पोरोसाइट्स हर पोर्स के अंदर ये कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर पोरोसाइट्स मौजूद है और यहाँ पे ये यह जो सेल्स है इसको हम कहेंगे ऑस्टियम तो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सिंपलेस्ट स्पॉन्ज जिसमें एनिमल आता है साइकॉन तो साइकॉन से हम इसके फाइलम पोरिफ्रा के मुख्तलिफ सेल टाइप्स को बॉडी वॉल को इसके स्केलेटन को और उसके फंक्शन को इन डिटेल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।